गोयनका हाउस में हो रहा है जश्न धमाकेदार। सबसे नजरें चुराकर कार्तिक और नायरा आज कर रहे हैं रोमांस। गोयनका हाउस में कार्तिक और कायरव के बर्थडे का डबल सेलिब्रेशन जारी है। फिलहाल हर कोई डांस करने में बिजी है। कायरव के बर्थडे बैश की थीम भले ही डिज्नीलैंड हो, लेकिन यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन डांस के बिना कंप्लीट नहीं होता है। बस यही डांस धमाका आज यहाँ मौजूद हर शख्स कर रहा है। कार्तिक और कायरव का बर्थडे है, पहली बार बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और बच्चा जो है वो अभी थोड़ा सा नाराज़ है। इससे पहले दशहरा में भी डांट दिया था उन्होंने बच्चे को, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जब चीज़ें सुलझ रही थी कार्तिक और नायरा के बीच में, तब बच्चे का पता चलता है कि वो कबर्ड में लॉक हो चुका है। तो कार्तिक कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कहीं उनसे तो अपसेट नहीं, क्योंकि पार्टी शुरू होने से पहले जो नायरा के ब्रदर है, जो नक्श है, वो काफ़ी कुछ सुना देते कार्तिक को, काफ़ी कुछ बोल देते कि शायद तुम्हारी वजह से ही वो गुस्सा था और तुम्हारी वजह से कबर्ड में गुस्सा था और लॉक हो गया था। तो जब पार्टी में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें चल रही है, बट येस एट द सेम टाइम दिस एंजॉयमेंट, दिस डांसिंग, देयर इज ट्राइंग टू मेक द छोटू हैप्पी, तो वो सारी चीजें भी है। आप देखिए, आज तो ट्रम्पलिंग के मजे भी लिए जा रहे हैं। कार्तिक, नायरा, वंश, नक्श और नन्हे कायरव, हर कोई ट्रम्पलिंग पर ऊंची छलांगे लगा रहा है। वैसे कार्तिक को तो हमने नायरा के लिए इससे पहले भी ऐसी छलांगे लगाते देखा है, लेकिन इस बार कार्तिक अपने नाराज लाडले को चेयर अप करने के लिए कर रहे हैं। Yeah, we loved it, यार। मैं पहले भी शो में ट्रम्पलिन में हम लोग किए है, वो जब बालकनी में लवर बॉय बन के नायरा को फूल देने होते थे, अब बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद अपने पोतों के लिए ट्रम्पलिन में चाहूंगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि कार्तिक ने कायरव के लिए एक खास गेम भी तैयार की है। द कचौड़ी मेज, यानी के भूल भुलैया में से ढूंढ कर लानी है कचौड़ी की टोकरी, और इस खेल में कार्तिक नायरा के बीच छिड़ गई है जीत और हार की जंग। पहले मैं पहुंचा था। जी नहीं, पहले मैं पहुंची थी, हाथ भी पहले मैंने लगाया। बिल्कुल नहीं, एक्शन रिप्ले करके देख लो, एग्जैक्टली 17 मिलीसेकंड पहले मैं। कुछ भी क्या, प्रिसाइसली बता रहा हूँ। बता नहीं रहे हो, टर्टर कर रहे हो मेंढक की तरह बस। और तुम क्या कर रहे हो, दहाड़ रहे हो शेरनी की तरह। अब दहाड़ के आगे मेंढक की टर्टर कहाँ सुने देती, ऐसे ही हमेशा मेरी आवाज दबा देती है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये बास्केट मेरी, ये मैं ले जाऊंगी, मेरी है ये। बिल्कुल नहीं, ये बास्केट मेरी है और उसमें रखी कचौरी भी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ, मेरा बर्थडे, मेरी बास्केट, मेरी कचौरी। ये क्या बात है, मतलब बर्थडे नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक, ऐसे मत, बर्थडे का गिफ्ट समझ के देता। सेलिब्रेशन हो, खुशनुमा माहौल हो और कार्तिक नायरा का रोमांस ना हो, ये तो आज तक नहीं हुआ, तो फिर अब कैसे हो जाता। देखिए, मैजिकल मोमेंट में दिखा कायरा मोमेंट। वैसे मानना पड़ेगा, मौका चाहे कोई भी हो, कार्तिक और नायरा रोमांस करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं, क्यों कार्तिक, सही कहा ना हमने। बहुत छोटा पार्ट है रोमांस का, इट्स मोर फॉर ट्राइंग टू प्लीज द किड और उसको मनाने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर भी जब मजिशियंस को बुलाया जाता है तो मजिशियन को कार्तिक कह देते कि नायरा को गायब कर दो, और तो जब वो गायब कर देते हैं तो मैजिक ट्रिक में ही कायरव बहुत डर जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है कि मेरे पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मम्मा को गायब कर दो, हर पापा का सपना, बट स्टिल ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी तो खूब जमी है, खुशियों के रंग भी बिखरे हैं, लेकिन कायरव का गुस्सा कार्तिक पर बढ़ता ही जा रहा है और ये गुस्सा केक पर भारी पड़ने वाला है।
अब अपने लाडले को कैसे मनाएंगे कार्तिक और नायरा, ये देखने का इंतजार तो हमें भी रहेगा। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।